दोनों का कलर देख सकते हैं, जरी वाला ब्रॉड सा बॉर्डर में जिमी जू साड़ी जिसके साथ हमें। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टाइलिंग विद नेहा में। गाइज, मैं फिर से आप लोग के लिए ले आई हूँ लेटेस्ट एंड ट्रेंडी साड़ी कलेक्शन, वो भी हमारे मीशो से, क्योंकि मीशो पे स्टार्ट हो गई है महादिवाली सेल, जिसमें आपको मिल जाएगा up to 80% off। सो अच्छा खासा डिस्काउंट मिलने वाला है। आज के साड़ी हॉल का मिनिमम प्राइस होने वाला है 600, मैक्सिमम होने वाला है 1400। दैट मीन बहुत ज़्यादा ही अफोर्डेबल रेंज से आपको साड़ीज देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको साड़ी विद स्टिच ब्लाउज भी मिल जाएंगे, जिसे अगर आप अभी ऑर्डर करेंगे ना तो आप दिवाली पे छठ पे आराम से पहन सकते हैं, क्योंकि स्टिच ब्लाउज मिलने वाला है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले ही प्रोडक्ट के लिंक आपको मिल जाए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल आपको यहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सो चलो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हॉल की सबसे पहली साड़ी मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मिलता है हमें स्टिच ब्लाउज। एंड गाइस, साड़ी बड़ी ही सुंदर है और साथ में जो ब्लाउज मिलता है उसकी क्वालिटी भी टॉप नॉच है। पहले तो हम दोनों का कलर देख सकते हैं, ये देखिए ब्लू कलर मैंने इसे ऑर्डर किया था। इसमें अभी 4 to 5 कलर ऑप्शन अवेलेबल है। साड़ी का फैब्रिक आपको सेटन मिल जाएगा एंड सिमिलर वैसा ही हमें जो ब्लाउज़ है ना वैसा ही आपको फैब्रिक में मिलता है। और ब्लाउज़ पे क्या सुंदर सा आपको वर्क मिलने वाला है, मतलब फुल हैवी वर्क के साथ आपको ब्लाउज़ मिल जाता है। फ्रंट का लुक कुछ ऐसा मिलने वाला है, फिर आप स्लीव्स भी देख सकते हैं, स्लीव्स पे भी आपको वर्क मिलने वाला है। और ये देखिए इसका बैक, इसमें है ना कप्स लगे हुए मिल जाएंगे, साइड में आपको जिप मिल जाती है जिससे कि आप इजीली वेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आगे पीछे कहीं पे भी हुक डिटेलिंग नहीं मिलती, जस्ट ओपन नहीं हो पा रही मुझसे। मैं यहाँ पे जिप मिल जाती है जिससे कि हम इजीली वेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फ्रंट या बैक कहीं पे भी हुक डिटेलिंग नहीं मिलती। ये देखिए कप्स लगे हुए हैं और लाइनिंग की क्वालिटी, ब्लाउज़ के फैब्रिक की क्वालिटी सब टॉप नॉच है। और कलर ऑप्शन है बहुत सुंदर सुंदर है, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं रेड, मरून, ग्रीन इनसे हट के कलर लूँ, सो मैंने ये ब्लू कलर लिया है। साड़ी बड़ी ही सुंदर मिलने वाली है, सैटिन फैब्रिक की आपको मिल जाएगी पूरी ही साड़ी, और ब्लाउज़ का भी फैब्रिक सैटिन पे ही मिलता है। ये देखिए ब्लाउज़ पे ना जैसा वर्क है वैसे ही आपको साड़ी पे ऐसा जरी वाला वर्क मिल जाएगा, केरी केरी जो है ना वो आपको साइड में बनी हुई मिलेगी, जिससे कि आपको थोड़ा सा कट वर्क वाला पैटर्न भी मिलने वाला है। बहुत डिज़ाइनर लुक की आपको साड़ी मिल जाएगी। नई साइड आपको ये बॉर्डर मिल जाती है, यहाँ तक हमारा पल्लू रहने वाला है। देन इसके बाद ये हमारा प्लीट्स वाला एरिया है, जिसमें अगेन हमें नीचे नीचे यही वाली लेस मिलने वाली है। आप लेस भी देख सकते हैं, फ्रंट से लुक कुछ ऐसा आता है, बैक से आप देख सकते हैं लेस कुछ ऐसी लगने वाली है, बिल्कुल भी नहीं चुभेगी और क्वालिटी बहुत अच्छी लगने वाली है। यहाँ तक हमें ये लेस मिलने वाली है और इतना फैब्रिक प्लेन रहने वाला है, सिर्फ इतना सा फैब्रिक प्लेन है। और साथ में ना मैं वो भी बता देती हूँ, देखिए ना कुछ लोग कमेंट करते कि आप लेस कहाँ तक है नहीं बताते, तो देखिए मैं तो क्लियरली बता देती हूँ, बट फिर से मैं एक बार बता देती हूँ। देखिए पल्लू जो है ना वो उसकी जो लेस है ना वो आराम से आपकी यहाँ वेस्ट तक आने वाली है, ऐसा नहीं है कि वो बीच में अटक जाएगी। सो इसमें ऐसा कोई भी इशू नहीं है। ब्लाउज़ में आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ कि कितना ज़्यादा सुंदर है, इसमें कलर ऑप्शन भी अवेलेबल है। एंड ब्लाउज़ 36 साइज तक के लिए परफेक्टली फिट हो जाएगा, एंड अगर आप उससे ज़्यादा हैवी बस्टेड है ना देन आप ये साड़ी मत बाय करिएगा। अदरवाइज बहुत अच्छी है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, साइड में ट्राई ऑन भी आप देख लीजिएगा। मैं साड़ी को हाई हॉल की जो नेक्स्ट साड़ी होने वाली है वो अगेन स्टिच ब्लाउज के साथ ही होने वाली है। इसका फैब्रिक आपको मिल जाएगा क्रेप, एंड इसके लिए मैंने पे किए थे 660 रुपीज़। आप इसका कलर देखिए, अभी ना थोड़ा सा इसका कलर प्रॉपर जो बेबी पिंक कलर होता है ना वो ही आपको मिलेगा। पहले तो मैं आपको इसका ब्लाउज दिखा देती हूँ, ये देखिए स्टिच ब्लाउज के साथ आपको ये साड़ी मिलने वाली है। साड़ी पे आपको ऐसा लेस मिल जाएगा एंड इसके साथ हमें मिलता है ये स्टिच ब्लाउज, बोट नेक मिल जाएगा एंड पूरे ही ब्लाउज पे आपको है ना कलरफुल एम्ब्रॉयडरी के साथ सीक्वेंस वर्क मिलने वाला है। 3/4 स्लीव्स मिल जाएगी, स्लीव्स पे भी आपको फ्रंट में वर्क मिल जाएगा। बैक से ये ब्लाउज प्लेन है, सिंपल है, बिल्कुल भी पीछे वर्क नहीं मिलता। और ये देखिए साथ में ना हमें यहाँ पे नीचे के साइड ऐसा बेल्ट अटैच मिल जाता है, जिसमें आप चाहें तो पल्लू इस तरीके से लगा सकते हैं, मैं साइड में इमेज लगा दूंगी। और ये है पूरा बेल्ट, इसमें भी हमें हुक डिटेलिंग नहीं मिलती, इसमें हमें ये देखिए इस साइड हमें ना चेन मिल जाएगी जिससे कि हम इजीली वेयर कर सकते हैं। लाइनिंग भी इसकी ओके है, जो कप्स हैं वो भी ओके, बिकॉज 600 रुपये में आप क्या ही एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको साड़ी भी मिल जाएगी और स्टिच
ब्लाउज भी मिल जाएगा। सो उस अकॉर्डिंग क्वालिटी अच्छी है, ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी है, क्वालिटी ओके है क्योंकि हम इसके लिए केवल 660 रुपीज़ पे कर रहे हैं। थोड़ा सा मतलब लाइनिंग की क्वालिटी ओके ओके है, कप्स की क्वालिटी ओके ओके है। एंड एक इशू और है, देखिए ये जो है ना, ये जो इसका नेक है वो एकदम बोट नेक से भी मतलब बहुत ज़्यादा ही छोटा है। सो हेयर स्टाइलिंग वगैरह करने के बाद तो आप इस ब्लाउज़ को बिल्कुल भी मत पहनिएगा, क्योंकि मैंने है ना हेयर स्टाइल करने के बाद जब ट्राई ऑन किया था मेरी पूरी हेयर स्टाइल ख़राब हो गई थी, क्योंकि बहुत छोटा सा नेक है। इसमें बस यही एक चीज़ है कि नेक बहुत छोटा सा लग रहा है, थोड़ा सा आप अगर नेक और डीप होता तो ईजिली वेयर कर सकते थे। अब मैं आपको ब्लाउज़ के साथ साथ साड़ी भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, जैसे ब्लाउज़ पर हमें कलरफुल एम्ब्रॉयडरी मिलती है ना, वैसी ही हमें साड़ी पर भी ऐसी तीनों साइड ये लेस मिल जाएगी, जिस पे आपको एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ सीक्वेंस वर्क मिलने वाला है। ये पल्लू है ना जो उसकी पूरी लेस मैं आपको दिखा रही हूँ, इसकी लेस भी आपको यहाँ वेस्ट तक आने वाली है। बिल्कुल भी ऐसे यहाँ तक नहीं अटकेगी, यहाँ आपको वेस्ट तक मिलेगी ये वाली लेस भी। मैं सारी साड़ीज़ के ट्राई ऑन कर चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ कि कहाँ तक लेस आ जाएगी। देन उसके बाद ये देखिए, नीचे नीचे आपको ये लेस मिलेगी, ऊपर का पूरा ही टक इन वाला पार्ट है। बेबी पिंक कलर है प्रॉपर इसका, और नीचे की जो लेस है वो देखिए यहाँ तक मिलती है। समथिंग इतना आधा मीटर का फैब्रिक है जो आपको प्लेन मिलने वाला है। हॉल की नेक्स्ट साड़ी होने वाली है हमारी ये जिमी जू साड़ी, जिसके साथ हमें कुछ इस तरीके से ब्लाउज का फैब्रिक मिल जाता है। यही डिज़ाइन में मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारे कलर शेयर किया जिमी जू साड़ी में, लेकिन कभी भी मुझे मरून कलर नहीं मिला था, ये जस्ट अभी ही इंक्लूड हुआ है। सो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इसमें आपको पर्पल कलर भी मिल जाएगा, एंड आई थिंक ग्रीन, जो डार्क ग्रीन होता है मेहंदी ग्रीन, वो कलर भी मिल जाएगा। बहुत अच्छी है जिमी जू फैब्रिक में आपको साड़ी मिल जाएगी, एंड आप साड़ी पे वर्क देख सकते हैं, बड़ा ही सुंदर सा सीक्वेंस कट वर्क मिल जाएगा, जरी की डिटेलिंग है। चलिए अब इसे ओपन करके भी देख लेते हैं। पहले मैं आपको पल्लू दिखा देती हूँ। देखिए पल्लू कुछ इस तरीके से हमें मिलने वाला है, बड़ा ही सुंदर सा कट वर्क और जरी सीक्वेंस का वर्क मिल जाता है। पहनने के बाद साड़ी का लुक भी बड़ा सुंदर आता है। ऐसा नहीं है कि तीनों साइड से बॉर्डर मिलेगी, बीच बीच में ना आपको कुछ इस तरीके से बूटियाँ भी मिल जाएंगी, और कलर के साथ जो ये गोल्डन जरी वर्क है ना, ये तो बड़ा ही उठ के आ रहा है। इसे आप दिवाली पे, छठ पूजा पे पहन सकते हैं, और कलर तो बड़े सुंदर सुंदर इसमें अपडेट हुए हैं। यहाँ तक हमारा ये जो बॉर्डर है ना वो रह जाएगा पूरा सीक्वेंस जरी का। देन उसके बाद ये प्लीट्स वाला एरिया है। साड़ी आपको ना हाफ एंड हाफ पैटर्न में मिलेगी, नीचे नीचे आपको वर्क मिल जाएगा, बीच बीच में छोटी छोटी बूटियाँ जैसे पल्लू पे थी ना पूरे पे, वैसे आपको साड़ी में मिलने वाली है। क्वालिटी बहुत अच्छी है, जिमी जू फैब्रिक है तो बहुत सॉफ्ट है और शाइनी भी बहुत अच्छा है। ये देखिए यहाँ तक जो ये है ना, हमें यहाँ तक ये बॉर्डर का पैटर्न मिल जाता है। फिर समथिंग 1 मीटर का फैब्रिक है जो आपको प्लेन मिलता है अंदर टकिन के लिए। बाकी मैं आपको इसका ब्लाउज दिखा देती हूँ। ये देखिए ब्लाउज तो बड़ा ही सुंदर स्टिच होने वाला है, क्योंकि इस पर बहुत सुंदर सी जरी की डिटेलिंग मिल जाएगी, सीक्वेंस वर्क मिल जाएगा, पूरे ही ब्लाउज पर आपको वर्क मिलने वाला है। समथिंग 1 मीटर से ज़्यादा ही है इसका जो ब्लाउज़ का फैब्रिक है, बहुत अच्छी है। एंड इसके लिए मैंने पे किए थे 1300 रुपये, कलर ऑप्शन भी अभी अवेलेबल है। तो अगर आपको ये साड़ी पसंद आ रही है ना तो जल्दी से बाय कर लेना, क्योंकि बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। हॉल की जो नेक्स्ट साड़ी मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ ना गाइज, इसके लिए मैंने पे किए थे 640 रुपीज़, एक्चुअल प्राइस है 670 रुपये। अगर आप प्रीपेड करेंगे ना तो आपको 20-30 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए मैंने इसमें ना जो कलर पिक किया है वो थोड़ा सा ना ग्रीनिश ग्रे कलर है, इसमें आपको पर्पल कलर भी मिल जाएगा, ग्रीन कलर भी मिल जाएगा, ब्लैक भी मिल जाएगा, पिच कलर भी मिल जाएगा। ये एक एम्ब्रॉयडर्ड जॉर्जेट डिज़ाइनर साड़ी है, जिसमें आपको है ना ब्लाउज़ पे बहुत अच्छा वर्क मिलने वाला है। ये देखिए कुछ इस तरीके से कलरफुल थ्रेड एम्ब्रॉयडरी और सीक्वेंस का ऐसा जिगजैग वाली लाइंस बनी हुई मिल जाएगी। सिमिलर वैसे ही आपको ना साड़ी पे भी बॉर्डर मिलने वाला है। सो डिज़ाइनर सी साड़ी है, इस वजह से आपको ब्लाउज़ पे बहुत अच्छा वर्क मिलेगा, और जो साड़ी है वो आपको लेस पैटर्न में मिल जाएगी। पहले साड़ी दिखा देती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें ये पल्लू मिलने वाला है, पल्लू के जो तीनों साइड है ना वो हमें ऐसी वाली लेस मिल जाती है, पीछे से ये कुछ ऐसी दिखेगी। कलर बहुत अच्छा है, अभी एक्चुअल में ना इस पर थोड़ा सा क्रीसेस आई हुई हैं, जब ये पूरा अच्छे से आयरन हो जाएगा ना साड़ी लुक बहुत अच्छा देती है। यहाँ तक आपको ये लेस मिल जाएगी, एंड ये लेस भी आपके यहाँ वेस्ट तक आने वाली है। ये अगर आपको पिच कलर ट्राई करना ना तो पिच कलर भी ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ तक हमें ये बॉर्डर मिलेगा, समथिंग 1 मीटर का फैब्रिक है जो आपको प्लेन मिल जाता है। ब्लाउज़ देख लेते हैं अब हम इस डिज़ाइनर साड़ी का। ये देखिए बहुत ज़्यादा शाइन करने वाला है ब्लाउज़, और स्टिच होने के बाद तो लुक बड़ा ही सुंदर आएगा। ये देखिए
क्वालिटी बहुत अच्छी है, और सबसे ज़्यादा अच्छी बात क्या है, ब्लाउज़ का जो फैब्रिक है वो बहुत अच्छा मिलने वाला है। लेंथ भले इसकी कम दिख रही है, लेकिन आप ब्लाउज़ के फैब्रिक की विड्थ देखिए, बहुत अच्छा लगने वाला है। कलर ऑप्शन भी अवेलेबल है, एंड 640 के अकॉर्डिंग तो डेफिनेटली गाइज आप इस साड़ी को बाय कर सकते हैं। हॉल की जो नेक्स्ट साड़ी होने वाली है वो होने वाली है विस्कोस जॉर्जेट फैब्रिक में। इसका एक्चुअल प्राइस है 821 रुपीज़। ये मैं एक्चुअल प्राइस बता रही हूँ, अगर आप प्रीपेड करेंगे ना तो आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे मुझे ये मिली थी 770 रुपीज़ में। कलर इसका शेडेड पैटर्न में मिलेगा, मतलब ऊपर आपको ऐसा ब्लू कलर मिलेगा, नीचे नीचे आपको ये डार्क पर्पल कलर मिल जाएगा, और ऐसा ही कॉन्ट्रास्ट करके इसमें हमें ब्लाउज़ मिलता है जिसपे आपको सीक्वेंस वर्क मिलने वाले हैं। फैब्रिक की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत लाइट वेटेड जॉर्जेट फैब्रिक है, और पूरे ही जो साड़ी है ना, साड़ी पे आपको इस तरीके से जो विविन डिटेलिंग होती है ना, वैसा आपको मिलने वाला है। बूटियों वाला पैटर्न है, और इवन जो पर्पल वाली है ना, वहाँ पे आपको ऐसे लाइनें भी मिल जाएंगी जरी वाली। सो साड़ी बिल्कुल भी सिंपल नहीं लगने वाली है, पूरा ही जरी विविन डिटेल वर्क मिल जाता है। स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक आपको साड़ी में यही वर्क और पैटर्न मिल जाएगा, इसमें कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं हो। और एक और चीज़ कि स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों में ही आपको पीकू करवानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें पल्लू बना हुआ नहीं आया है। ब्लाउज़ देख लेते हैं, ब्लाउज़ से ही साड़ी का बहुत अच्छा लुक आएगा। पर्पल कलर मिल जाएगा, और पर्पल कलर से ही इस पर पूरी एम्ब्रॉयडरी और सीक्वेंस मिलने वाले हैं सिल्वर कलर के। सो अगर आपको ये साड़ी पसंद आ रही है तो आप डेफिनेटली इसे बाय कर सकते हैं। ब्लाउज़ का फैब्रिक भी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा, विड्थ ज़्यादा है, लेंथ भले थोड़ी कम है। नेक्स्ट साड़ी होने वाली है अगेन विस्कोस विवन जॉर्जेट साड़ी, जिसके लिए मैंने पे की है 870 रुपीज़। इसका एक्चुअल प्राइस है 920 रुपीज़। तीन कलर ऑप्शन इसमें अवेलेबल है, पिंक, रेड एंड ब्लू। मैंने इसमें पिंक कलर पिक किया था, बट थोड़ी सी डिसअपॉइंट हुई थी मैं इस साड़ी को देखकर, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से बेबी पिंक कलर, बेबी पिंक नहीं है एक्चुअली, थोड़ा सा पिच टोन में आपको ये कलर मिल जाएगा, और थोड़ा नीचे रेड में मिल जाएगा। इसके साथ हमें ऐसा ब्लाउज़ मिलता है। पहले हम साड़ी देख लेते हैं। साड़ी का फैब्रिक इससे जस्ट प्रीवियस जो मैंने साड़ी शेयर की ना, दोनों का फैब्रिक एज इट इज़ है, बट दोनों के सेलर डिफरेंट है। इसमें आपको कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, उसमें आपको सिंगल ही कलर मिलता है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से आपको इस पर भी जरी विवन डिटेल मिलने वाला है। पल्लू के लिए मैं डिसअपॉइंटेड थी, क्योंकि जैसा उस साड़ी में था ना कि स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों एज इट इज़ थी, आपको पीको करवाना पड़ेगा, वैसा इसमें भी हुआ है। मैं साइड में इमेज अटैच कर दूंगी, आप देख लीजिएगा, वहाँ पे टेसर्स लगे हुए हैं पल्लू पे। तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि पल्लू बना हुआ आएगा, लेकिन यहाँ पे पल्लू बना हुआ नहीं आया, ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए। एंड इस पे आपको जरी और पूरा वीवन वर्क मिलेगा, देखिए यहाँ पे जरी की लाइनिंग मिल जाएगी। ओके, कुछ इसी तरीके से आपको पूरा ही ये जरी वीवन वर्क मिलने वाला है साड़ी पे। साड़ी का फैब्रिक बहुत लाइट वेट है, नो डाउट आप किसी भी फेस्टिव टाइम पे, इवन दिवाली पे भी, क्या हम लोगों को अच्छे कपड़े पहनने पड़ते हैं ना पूरा दिन, और फिर काम भी करना पड़ता है, तो उस टाइम पे ना ऐसी साड़ी आप पहन सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी आपको हैवी फील नहीं करवाएंगी, और साथ में ना साड़ी का लुक भी बहुत अच्छा आएगा, ऐसा नहीं लगेगा कि आपने रोज के कपड़े पहन के रखे हुए। ब्लाउज़ तो बहुत सुंदर मिलने वाला है, देखिए उसमें ना सीक्वेंस वर्क मिलता है ब्लाउज़ का, लेकिन यहाँ पे ना ऐसा थोड़ा सा बांधनी वाला पैटर्न मिल जाएगा। ब्लाउज़ के साथ जब स्टिच होकर साड़ी पहनेंगे ना, तो लुक अच्छा आने वाला है। बस पल्लू बना हुआ नहीं मिला है, बट ओवरऑल साड़ी का लुक बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये देखिए, बॉर्डर मिल जाता है जिसे आप ब्लाउज़ की स्लीव्स पे और या फिर ब्लाउज़ के बैक पे लगवा सकते हैं। पूरा ही ब्लाउज़ का फैब्रिक आपको 1 मीटर समथिंग का मिल जाएगा, विड्थ भी अच्छी खासी मिल जाती है। सो अगर आप हेल्दी भी है ना, तो भी आपका ब्लाउज़ आराम से स्टिच। हॉल की जो नेक्स्ट साड़ी मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ गाइज, ये वाली साड़ी तो सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड है, एंड ये आजकल कुछ ज़्यादा ही वायरल चल रही है। इसके लिए ना डिफरेंट डिफरेंट सेलर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस में इसे सेल कर रहे हैं। मैंने इसके लिए पे किए थे 660 रुपये। जॉर्जेट फैब्रिक पे आपको पूरी ही साड़ी ऐसी बॉर्डर वाली मिलने वाली है। एक है ना, जैसे सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड साड़ीज होती है ना, उनमें एक चीज़ होती है कि ब्लाउज वर्क के साथ मिलता है, और जो साड़ी होती है ना, वो आपको ऐसे वाले बॉर्डर लेस के साथ मिलने वाली है, जिसपे आपको ये सिल्वर जरी और सीक्वेंस का वर्क मिलने वाला है। तीनों साइड आपको ऐसा बॉर्डर मिल जाएगा, ये पूरा लेस यहाँ तक हमें मिल जाती है। बैक से ये साड़ी कुछ ऐसी लगेगी। देन उसके बाद ये है हमारा टक इन वाला एरिया, इसमें अगर आपको मिलने वाला नीचे फिर वैसी ही लेस मिल जाएगी। साड़ी पे आपको पूरी दूर ये वाली लेस मिल जाती है, पर्पल कलर के साथ जो ये सिल्वर जरी है बहुत अच्छे से उठ के आ रहा है, आप देख सकते हैं कलर बॉर्डर ही सुंदर है। इसमें कलर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, सिंगल ही कलर इसमें आपको मिल जाएगा, यहाँ तक आपको ये लेस मिलेगी। फिर इतना कुछ फैब्रिक है, आई थिंक 1 या 1.5 मीटर समथिंग होगा, जो आपको प्लेन मिल जाता है अंदर टकिंग के लिए। और
अब हम इसका ब्लाउज देख लेते हैं। जैसा मैंने आप लोगों से कहा कि ये जो सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड साड़ी डिजाइनर होती है ना, वो आपको ब्लाउज उसमें हैवी मिलने वाला है, बाकी आपको साड़ी पूरी सिंपल मिल जाएगी। ये देख सकते हैं आप फ्रंट एंड बैक पे कितना ज़्यादा सुंदर और हैवी वर्क मिलने वाला है, साथ में हमें ऐसी लेस मिल जाती है। नेक्स्ट प्रोडक्ट दिखाने से पहले गाइस, जस्ट अभी मैंने अपना सेकंड गिव अवे का अनाउंसमेंट किया था और उसके विनर को आज मैं अनाउंस करने वाली हूँ। सो इसके क्लियर विनर है राधिका, सो कॉन्ग्रेट्स राधिका। आप अपनी डिटेल्स मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिएगा, मैं ट्राई करूँगी कि इसी वीक आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको मिल जाए ताकि आप दिवाली पे पहन सके अगर पहनना चाहें तो। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए फर्स्ट जो गिव अवे था उसका प्राइस था जू का बैग एंड उसके जो विनर थे वो थे प्रियंका। एंड मैंने उनसे यहाँ पे वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि देखिए मुझे सरनेम वगैरह नहीं पता, सिर्फ प्रियंका से ही मुझे जितने भी इन्वाइट्स दिखे थे और जो भी था वो प्रियंका से ही था। तो मुझे इंस्टाग्राम पे ना 3 प्रियंका के एड्रेस आए, ओके। और मैं थोड़ा सा ना हॉस्पिटलाइज हो चुकी थी जिस वजह से मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर पा रही थी और मैंने अपनी टीम से कहा था कि आप ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। सो उसमें से एक प्रियंका को वो जो पार्सल है वो ऑलरेडी शिफ्ट कर चुके थे एंड अभी जब मैंने चेक किया है तो वो डिलीवर्ड भी हो चुका है। और साथ में ये भी चेक किया है कि 3-3 प्रियंका के एड्रेसेस हैं हमारे पास, तो आई डोंट नो कि कौन सी एक्चुअल प्रियंका थी जो हमारे फर्स्ट गिव अवे की विनर थी। देखिए गाइज, ऐसा मत करिए, पहली बात तो जो भी पार्टिसिपेट करें ना अपना पूरा नाम मेंशन करिए जिससे कि ये कन्फ्यूजन ना हो। मैं बिल्कुल भी नहीं चेक कर पाती हूँ, मैं नहीं देख पाती हूँ हर चीज़ों को और अभी थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ भी चल रहे हैं जिस वजह से मैं ये सारी चीज़ें नहीं हैंडल कर पा रही हूँ। सो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, देखिए आई एम रियली सॉरी बट मेरी साइड से ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब मैं उस चीज़ को नहीं वो कर सकती, वहाँ पे मेरा पार्सल डिलीवर्ड हो चुका है, वो ले भी चुके हैं तो मैं उसे वापस रिटर्न नहीं करवा सकती। क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो गाइज ऐसा कर सकते हैं हम कि अब मैं जो भी थर्ड जो भी जूक का गिव अवे आएगा उसमें आप पार्टिसिपेट करिएगा तो मैं आपको प्रायोरिटाइज करूँगी, मतलब आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगी कि वो बैग आपको ही मिले। सो ये था हमारा गिव अवे का अनाउंसमेंट। चलो देखते हैं नेक्स्ट। अब मैं आप लोगों के साथ जो नेक्स्ट साड़ी शेयर करने वाली हूँ ये तो मेरी फेवरेट है गाइज, मतलब बहुत ज़्यादा ही फेवरेट है। विस्कोस जॉर्जेट फैब्रिक की साड़ी है एंड आप इसका कलर देखिए, इस बार मैंने ग्रीन कलर में ऑर्डर किया है। ये देखिए नीचे की साइड आपको ऐसा कुछ जरी वाला ब्रॉड सा बॉर्डर मिल जाएगा, साथ में ना पल्लू बना हुआ मिलने वाला है, कॉन्ट्रास्ट पिंक कलर का इसमें ब्लाउज का फैब्रिक मिल जाता है। तो पहले हम साड़ी देख लेते हैं। इसी साड़ी का मैंने मॉफ पिंक कलर आप लोगों के साथ शेयर किया था, आप लोगों को बहुत पसंद आया था एंड फिर मैंने सोचा क्यों ना ग्रीन कलर भी ट्राई करें। ये देखिए इसका जो है ना पल्लू बना हुआ मिल जाएगा आपको, पूरे पल्लू पे टीसेस लगे हुए मिलने वाले हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि ऊपर की जो बॉर्डर है वो आपको पतली मिलती है, ये जरी वाला बॉर्डर मिल जाएगा। पूरी साड़ी पे आपको जरी वीवन वर्क मिलता है, जॉर्जेट फैब्रिक है। और ये देखिए ये नीचे का जो बॉर्डर है ना वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको और ऊपर का सिंगल बॉर्डर है। साड़ी का लुक बड़ा ही सुंदर आता है, इसके जितने भी कलर है ना सब बड़े सुंदर है, आप कोई भी कलर पिक कर सकते हैं। इसमें आई थिंक रेड कलर भी है, मजेंटा पिंक मिल जाएगा, बेबी पिंक, मॉफ पिंक मिल जाएगा, येलो मिल जाएगा एंड मैंने ग्रीन कलर पिक किया है। ये देखिए पूरी साड़ी आपको ऐसे मिलने वाली, एंडिंग पे आपको पीको करवानी पड़ेगी और यहाँ पे ऐसा वाला बॉर्डर मिल जाता है। अब मैं आपको इसका ब्लाउज दिखा देती हूँ, जैसा साड़ी का पैटर्न है ना सिमिलर वैसा ही ब्लाउज का पैटर्न भी मिलता है, बस कलर का डिफरेंस है। ये देखिए ये थोड़ा सा ना डार्क मजेंटा पिंक कलर मिल जाता है और ये कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कलर में भी मुझे साड़ी ट्राई करना चाहिए। ऊपर का आपको पतला बॉर्डर मिल जाता है, बीच में आपको ये फ्लावर बने हुए मिलेंगे और नीचे आपको ऐसा वाला डिटेल मिल जाएगा। साड़ी नो डाउट बहुत सुंदर लग रही है, इसके लिए मैंने पे किए थे 1100 रुपये और करेंटली जितने भी कलर इसमें अवेलेबल होंगे ना इन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी तो आप वहाँ चेक कर लीजिए। हॉल की सबसे लास्ट और सबसे ज़्यादा सुंदर साड़ी मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। अगर आप बनारसी सिल्क साड़ी के फ़ैन हैं ना गाइस तो ये साड़ी देखने के बाद आपका दिल ही खुश हो जाएगा, क्योंकि मैंने इस बार ले ली है मीशो से बनारसी सिल्क साड़ी एंड ये इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में मुझे मिलेगी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इसमें आपको ना 5 कलर ऑप्शन मिलेंगे, मैंने ना डार्क जो पर्पल कलर होता है ना वैसा इसमें ऑर्डर किया था एंड नीचे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बॉर्डर के साथ साथ ना ये कट वर्क वाला बॉर्डर मिल जाएगा जो कॉन्ट्रास्ट ग्रीन कलर का मिलता है। पहले हम साड़ी देख लेते हैं उसके बाद मैं आपको ब्लाउज दिखाऊंगी। ब्लाउज इसमें कॉन्ट्रास्ट मिलने वाला है, पल्लू बड़ा ही सुंदर इसमें मिल जाएगा आपको। बनारसी साड़ीज जिन्हें भी पसंद है ना वो डेफिनेटली इस साड़ी को बाय कर सकते हैं, पहनने के बाद ना बहुत रिच और क्लासी सा लुक आता है साड़ी को। ये देखिए ये मैं इसका पल्लू दिखा रही हूँ आपको,
कट वर्क वाला बॉर्डर के साथ आपको ये पूरा ही जरी विवन का पल्लू मिल जाता है। और एक्चुअल में ना बनारसी साड़ीज बहुत तरीके की देखी है मैंने मीशो से, जो थोड़ी सी चीप क्वालिटी की भी होती है, जो बहुत ज़्यादा ऐसी खड़ी खड़ी रहती है, जिनकी प्लीट्स अच्छी नहीं बन पाती या जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, फूली फूली लगती है। लेकिन ये वाली साड़ी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है गाइस, पहनने में बहुत कम्फर्टेबल है, प्लीट्स भी बन जाएंगी, बिल्कुल फूली फूली भी नहीं लगेगी। और ये आप देख सकते हैं, देखिए है ना, मैंने हो सकता है अच्छे से स्टाइल नहीं किया हो, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से साड़ी नहीं पहन पाती हूँ। जितना भी पहन पाती हूँ मैं आप लोगों को पहन के दिखा देती हूँ। ये देखिए ये बॉर्डर है, और उसके साथ साथ हमें ये कटवर्क बॉर्डर, और बीच बीच में ना आपको ये पूरा ही बूटियों वाला पैटर्न मिलने वाला है। बहुत सुंदर सी बूटियाँ मिल जाएंगी। कलर इसका थोड़ा सा डार्क है, अगर आपको ये कलर पसंद नहीं आ रहा तो डोंट वरी गाइज, इसमें 5 कलर ऑप्शन अवेलेबल है, आप दूसरे कलर ट्राई कर लीजिएगा। ये देखिए फ्रंट का लुक मैं दिखा दे रही हूँ, साथ में आपको मैं बैक का भी लुक दिखा देती हूँ। देखिए पीछे से बूटियाँ कुछ ऐसी दिखेंगी, इरिटेट नहीं करेगी, और जो ये बॉर्डर है ना ये पल्लू के यहाँ तक हमें मिल जाती है। देन उसके बाद ये टक इन वाला एरिया, और नीचे नीचे अगेन ये बॉर्डर और ये कटवर्क वाली बॉर्डर मिल जाएगी। साड़ी बड़ी ही सुंदर लगती है ये पहनने के बाद। कलर ऑप्शन तो जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, और अगर आप चाहें ना तो जैसे इसमें क्या बूटियों वाला पैटर्न है, इसी में आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस में मिल जाएगी। मैं सभी के लिंक दे दूँगी, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ तक आपको ये पैटर्न मिलता है, देन उसके बाद इतना समथिंग आधा मीटर का फैब्रिक है जो आपको प्लेन मिल जाएगा। आप एक्चुअल कलर देख सकते हैं, साड़ी का एक्चुअल कलर यही है, इसके ऊपर ये गोल्डन बूटी होने की वजह से थोड़ा सा कलर ऐसा दिख रहा है। अब मैं आपको इसका ब्लाउज दिखा देती हूँ, कॉन्ट्रास्ट ग्रीन कलर का ब्लाउज मिलने वाला है, और आप ब्लाउज देखिए, ये इसका फ्रंट है, एंड उसके अलावा बैक हमें यहाँ मिल जाएगा, और साथ में ना आपको बॉर्डर भी मिल जाती है। ये देखिए यहाँ पे हमें ऐसी बॉर्डर मिल जाती है, जिससे कि आई थिंक स्लीव्स निकला सकते हैं आप। ये देखिए पूरा ये बॉर्डर मिल जाती है, इस पर आपको सीक्वेंस जरी का काम मिलने वाला है। कलर बड़ा ही सुंदर है, अगर आपको दूसरे कलर ट्राई करना है तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। ये था मेरा आज का मीशो साड़ी हॉल। आई होप आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।